सो गाइस फाइनली ये रही अपने पास यमा R15 वर्जन 4 का न्यू कलर जो कि ओनली V4 में आया है। R15M में कलर कुछ नहीं आया नया, उसमें जो है TFT मीटर मिल जाता है आपको, लेकिन जो है वर्जन 4 में ये इन्होंने पूरा मैट ब्लैक में आपको जो है नया कलर ऑफर किया, जिसमें आपको गोल्डन अलॉय मिल जाते हैं एंड जो ग्राफिक्स है वो चेंज मिल जाते हैं, जो कि फ्रंट से भी आप चेक कीजिए कुछ ऐसी दिखती है। और इसमें जो बाकी चेंजेस है ना वो ऐसा कुछ ऐसे नहीं किया गया, क्योंकि जो इंडिकेटर वगैरह थे वो भी आप चेक कीजिए, इसमें नॉर्मल वही आपको हाइलोजन इंडिकेटर ही मिलते हैं। तो इसमें आपको ओनली जो है कलर स्कीम का ही जो कलर देखने को मिलता है चेंज, बाकी और कोई चेंज नहीं है। मीटर वगैरह भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वही सेम टू सेम है एज इट इज़। ये चेक कीजिए, जो पुराने वाला मीटर था वो आपको इसमें मिलता है, वही वर्जन 4 वाला। यहाँ से हज़ार्ड को बंद कर देते हैं एंड ये चेक कीजिए, पुराने वाला ही मीटर मिल जाता है। एंड फ्रंट से इसमें आपको बस ये है कि इसका लुक जो है थोड़ा बेस्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको DRLs वगैरह ऐसी ऑफर की गई हैं इसमें जो कि पहले की तरह थी, लेकिन इस कलर पे ना काफ़ी अच्छी लग रही है। ग्राफिक्स वगैरह कुछ यूँ मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पे चेक कीजिए गोल्डन अलॉय मिल रहे हैं, और कोई चेंज नहीं है, वही USD सस्पेंशन आपको गोल्डन में, ब्रेक कैलिपर वगैरह भी सेम है, इसमें ब्लैक ही मिलता था तो ब्लैक ही मिल रहा है। नीचे की साइड इसमें आपको यमहा की गोल्डन कलर की स्टिकरिंग मिलेगी एंड ऊपर की साइड इस पे जो है आपको R15 वर्जन 4 का जो है स्टिकर मिल जाएगा। बैक साइड से बात कर लें तो बैक साइड से यहाँ पे आपको स्टिकर वही VVA वाला जो पहले मिलता था, एंड पीछे की साइड से सेम वही लाइट आपको जो है हाइलोजन इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर्स वगैरह जो कि पहले मिलते थे। टायर में भी आपको वही है डुअल चैनल ABS में, आपको पहले भी मिलती थी अभी मिल रही है। अलॉय यार इसके गोल्डन कर दिए, मुझे उतने खास पर्सनली नहीं लगे, अगर इस पे ब्लैक ही अलॉय होते ना तो ये कलर और अच्छा लगता, क्योंकि मैट में ना कुछ खास निखर के आ रहा है इसका जो एक कलर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दूसरा इसमें और कोई खास चेंज नहीं है, लोगो वगैरह वही आपको 3D मिल जाता है, BT की कनेक्टिविटी थी और इसमें TCS वगैरह आपको मिलता ही था, तो इसमें कोई खास चेंज नहीं है। जो चेंज हुआ है ना वो हुआ था अपनी R15M में जो कि ये खड़ी, इसमें मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए इसमें ना मीटर जो है आपको ये मिल जाता है, यानी TFT मीटर, यहाँ पे आप देख चेक कीजिए, यहाँ पे आपको नया मीटर मिल जाता है। साथ में इसमें आपको जो है सारे जो फीचर एक्स्ट्रा उसमें कुछ खास नहीं मिलने का, बस यही है कि मीटर आपको TFT मिल जाएगा। इसके थोड़े कंट्रोल करने के सिस्टम के लिए यहाँ पे अच्छे से बटन दे दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट करके सब कुछ चेंज कर सकते हो, तो बाकी सब कुछ सेम है। एंड बात करो अगर इसके प्राइस की, तो ये जो बाइक है ये आपको 2,22,000 की ऑन रोड देखने को मिलती है, जो कि आप देख रहे हैं R15 वर्जन 4 का ब्लैक कलर जो कुछ इस टाइप का दिखता है। एंड अभी जो है एक बार इसको स्टार्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद जो है आपको इसका एग्जॉस्ट नोट वगैरह भी सुनाते हैं। वन टैप में स्टार्ट हो गई है, फ्रंट से कुछ देखिए ऐसी दिखेगी, लाइट वगैरह चेक कीजिए, तो ये थी अपनी R15 वर्जन 4 जो कि आप देख रहे हैं। एंड इसमें जो बाकी कलर्स आते हैं जैसा कि आपको देख रहे हैं ये रेड कलर इसका, एंड यहीं पे खड़ा है इसका रेसिंग ब्लू, तो इनमें कोई खास चेंज नहीं है, ये दोनों सेम कलर आपको वैसे ही मिलते हैं। V4 में बस आपको जो है एक नया कलर मिला ये वाला, एंड जो है आपके R15M में जो आपको नया TFT मीटर मिला था वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड इसी तरह के नए नए कॉन्टेंट के लिए जो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। FZS जो आएगी नई वाली उसकी भी वीडियो मैं सबसे पहले आपके लिए लेके आऊँगा, FZS जो कि वर्जन 4 है, तो उसकी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसकी वीडियो मैं बहुत पहले आपके लिए लेके आने वाला हूँ 2 से 3 दिन के अंदर। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ।